हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे खेल का महत्व पर निबंध, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एसे इन हिंदी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमिका, खेल क्या है? इसका सबसे अच्छा जवाब किसी बच्चे से पाया जा सकता है। खेलों का नाम आते ही किस तरह उनका चेहरा खुशी से चमक उठता है। सचमुच खेल होते ही हैं इतने रोमांचक और मजेदार। खेल अब तो जीवन की जरूरत बन गए हैं। खेलों के प्रति बदली धारणा, पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अर्थात खेलकूद में ज्यादा ध्यान देना भविष्य खराब करने जैसा माना जाता था। जबकि पढ़ाई लिखाई को हर प्रकार की उन्नति का साधन, समय में बदलाव के साथ ही इस धारणा में बदलाव आ गया है। अब खेल यश धन पद और प्रतिष्ठा पाने का माध्यम बन गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियाई खेलों में या ओलंपिक स्तर पर पदक जीतने पर केंद्र एवं राज्य सरकारें नगद पुरस्कार देने के अलावा शानदार नौकरियों का प्रस्ताव भी देती है। खेल और स्वास्थ्य का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। खेलों से खाया पिया आसानी से पच जाता है, इसी पचे अंश से रक्त मांस मज्जा आदि बनता है, जिससे शरीर पुष्ट बनता है। खेल हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ बनता है। इसके अलावा खेलों से शरीर लचीला फुर्तीला ऊर्जावान तथा बलवान बनता है। डॉक्टर भी स्वस्थ होने के लिए मरीजों को खुली हवा में घूमने टहलने और उम्र तथा रुचि के अनुसार खेलने की सलाह देते हैं। खेल और मानवीय मूल्य, खेल सुख दुख को समान भाव से अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इससे खेल में पराजित व्यक्ति अपनी पराजय का दुख आसानी से भूलकर आगे की तैयारी में जुट जाता है। जीवन के दुख से उबरने के लिए यह गुण अत्यंत आवश्यक है। खेल मनुष्य में ईमानदारी सहनशीलता सामंजस्य बिठाना तथा क्षमा करने जैसे गुणों का विकास करते हैं, जो मनुष्य को अच्छा इंसान बनाते हैं। इसके अलावा खेल नैतिकता एवं अनुशासन पाठ भी पढ़ाते हैं। खेलों के प्रकार, खेलों को खेलने के स्थान के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल पहला, खेल से बाहर खेले जाने वाले खेल दूसरा। घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को इंडोर गेम भी कहते हैं। ऐसे खेल प्रायः दो चार खिलाड़ियों के साथ खेले जाते हैं, शतरंज लूडो कैरम बोर्ड ताश टेबल टेनिस आदि। घर के बाहर खुले मैदानों में खेले जाने वाले खेलों को आउटडोर गेम भी कहा जाता है। इस श्रेणी के खेल टीम या अधिक खिलाड़ियों के साथ खेले जाते हैं। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल लॉन टेनिस रस्साकसी खो खो कबड्डी आदि इसी श्रेणी के खेल हैं। खेल यश और धन प्राप्ति के साधन, खेलों से केवल स्वास्थ्य ही उत्तम नहीं बनता बल्कि चरित्र भी उत्तम बनता है। खेल खिलाड़ियों को यश और धन दिलाने के साधन है। किसी खेल के खिलाड़ी को लाखों रुपए फीस के रूप में मिलते हैं। विज्ञापन कंपनियां उनसे करोड़ों का सालाना अनुबंध करती है। इसके अलावा उसे पुरस्कार स्वरूप भारी राशि मिलती है। अच्छे खिलाड़ी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं। खेल के समय स्टेडियम का खचाखच भर जाना इसका प्रमाण है। उपसहार, जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। खेल हमें स्वस्थ एवं प्रसन्न रखते हैं। खेल व्यक्ति का सम्मान तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं। हमें अपनी रुचि के अनुसार खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ टू केयर स्मार्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।